पहले जरूरी ऐलान सुनिए, इंटरव्यू बाद में होगा। कॉल करने के लिए फोन उठाइए, मिल जाए तो एक दबाइए, बिल ज्यादा आए तो दो दबाइए, जुबान की तब्दीली के लिए तीन दबाइए, नुमाइंदे से बात करने के लिए चार दबाइए, नेटवर्क की खराबी के लिए उसके घर जाइए, फिर भी ठीक ना हो तो पुलिस बुलाइए, और अगर पुलिस ना आए तो मुझे बताइए, अंधेरे में बात करना हो तो लाइट बुझाइए, घर में झगड़ा हो तो बाहर में जाइए, और अगर बात करते करते थक जाइए तो सो जाइए, लेकिन हमें ना बताइए। वजीर मामला ये हम खुद लिखे हैं। कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, कब आए? से जब आप पढ़ रहे थे तो मैं आ गया था। हाय हाय, हम तो समझ, हम तो हैरान हो गए, हमने कहा पता नहीं कुछ लग रहा है कि हमारे दाएं बाएं कोई आ रहा है, खैरियत है? हाँ, ये बताएं आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे लिख लिख के वो पब्लिक पे मार देते हैं, उठा के कोई शेर उनको पसंद आ जाता है, कोई बात हम कर जाते हैं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी। तो सहाफत का क्या हुआ, आप क्यों जो करते थे? अरे सहाफत तो वो तो हम फ्रीलांसर हैं ना। क्या क्या? फ्रीलांसर नहीं समझते हैं, फ्रीलांसर वो होता है जो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जो जो भी लिख कर डाल देते हैं। फ्री है ना, हम फेस हैं, आप फेस से बोल रहे होंगे ना। हाँ। तो हम भी तो अभी पिछले साल ही हुए हैं ना, यही औरंगी टाउन में अब हम शिफ्ट हुआ ना, तो एक साल में इतना ही आएगी ना हमको। अच्छा अच्छा, अच्छा। अरे भैया पिछले दिनों अल्लाह माफ करे हमारे लाइट चली गई, और लाइट के जो हम उस चक्कर में जो हमने कंप्लेन किए, तो अल्लाह माफ करे भाई, ऐसे लोग हैं जालिम लोग, इतना बिल बन गया और बिल भी बन गया, अब हम चेक कर रहे हैं हमारे दो पंखे हैं, दो ट्यूबलाइट है, ऐसा थोड़ी होता है ना। हमने उनको बोला भी, हमने कहा भाई खुदा के वास्ते हमारा बिल कम कीजिए, वो कह रहे हैं जी आप लाइन में लग जाइए, अब हम लाइन में अपने बेटे को लगा के आए हैं। ओहो, और बिल कितना बढ़ रहा है, ये बिल का बढ़ रहा है भाई, आप बताइए ना, अभी तो कुछ नुमाइंदे है ना। सर बिल तो एक ही वजह से बढ़ता है। किस वजह से? आप कुंडागिरी की बात नहीं करेंगे, कुंडागर्दी की बात नहीं करेंगे, हमारे उधर देखिए हजारों ये बड़ा बड़ा लोग जो हैं, इन सब ने अपने इंडस्ट्री में कुंडा लगा हुआ है, किसी ने कहीं पे कुंडा लगा हुआ है, आप क्या समझ रहे हैं ये कुंडागर्दी वो कर रहे हैं, हमारा का कितना स्थित। अरे हम तो कई दफा लाइट चला जाता है तो अपनी मोमबत्ती में हम जो है लाइट जला के लिखते हैं, और अगर मोमबत्ती खत्म हो जाए तो अगरबत्ती जला के हम लिखते हैं। तो आप बेटे को वहाँ लाइन में लगा के आए हैं? बेटे को? अरे भैया बेटे को मैंने कहा, वो भी कह रहा है अब्बा कहाँ हमको, मेरे रोज लाइन में लगा देते हैं, जब हमारा नंबर आता है तो कहता था काउंटर चेक करके बंद कर देता है, ये कौन सा तरीका होता है भाई? एक तो बिजली का बिल, फिर दूसरा देखिए कि हमारे वो कुंडा। अरे भैया कुछ भी नहीं है, हमारे पंखे हम चलाते नहीं है। अरे भाई पंखा नहीं, पंखा पे बिल बहुत आता है, किसी को बताना नहीं, हमने तो वो वाले रखे हैं, वो वाले चलाते हैं हम पंखे, देख रहे ना सीधा हाथ हमारे उल्टा हाथ में देखिए कितना फर्क, ये सूझ गया है। हाँ और बताइए आप इलेक्शन का क्या कर रहे हैं? इलेक्शन? अरे भैया हमारे यहाँ से तो बड़ा शोर मचा हुआ है कि इसको वोट दो उस, अरे हर आदमी आकर सलाम कर रहा है, कह रहा भाई हाँ देखिए हमें पहचानिए, भाई हमने कहा पूरा साल गुजर गया है इतने इलेक्शन में, आज तक तो हमको ये नहीं पूछा चाचा आप बीमार हो, किसी डॉक्टर को दिखाना हो तो बताया, कोई भी नहीं, और अब ऐसा आ रहा है बिरयानी भेज रहे हैं दबा के, अब तीन दिन से बिरयानी खा रहे हैं, हमको अजीब सी लगने लगी हो। ऐसा भी तो होगा ना कि शायद आप जाए तो आपका वोट डल जाए? अरे वोट तो डालेगा, कौन ना डालेगा, शनाख्ती कार्ड तो हर वक्त लिए फिरते हैं हम, नहीं किसी कोई और डाल दे, हमारा वोट कैसा को डाल सकता, हम जैसे शक्ल का तो वैसे ही एक सैंपल है, एक ही सैंपल है, इस शक्ल का दूसरा मिल जाना तो आप यकीन कीजिएगा हम खुद ही उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको खुद मार देंगे। एक दफा हमने आईने में अपने आप को देख रहे थे, हम डर गए यही कौन आ गया भाई, क्योंकि लाइट तो बंद थी, हमको एक शर्ट महसूस हुआ, हमने लाइट डाल के देखा अपने आप को देख डर गए, हमने पूछा अरे तुम कौन हो, उसने हमारी तरफ से हाथ चलाना शुरू कर, अरे मैंने कही तो हम खुद है, ऐसा भी होता है ना भाई, इलेक्शन की वजह से दिमाग काम छोड़ चुका है, इतने रंग देख लिए हैं, इतने झंडे देख लिए हैं, पता है आपको कौन सा झंडा हमको नजर नहीं आ रहा? पीटी। अरे पीटी को छोड़िए, पीटी तो हमारी हो रही है, ये वाली पीटी नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हर तरह का झंडा दिख रहा है, हर रंग का झंडा है, एक झंडा नहीं दिख रहा है पाकिस्तान का झंडा। अरे भैया पाकिस्तान का झंडा पहले हाथ में रखिए और बाकी झंडों को फिर उसमें दिखाइए, ये जब हम मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, इलेक्शन पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं ना, तो पाकिस्तान का झंडे को भी तो कहीं दिखाए, वो बेचारा जो सिमटा हुआ पड़ा हुआ साइड में कहीं, ये नहीं होना चाहिए, सारे रंग एक तरफ हैं, हमारे पाकिस्तान की बात अलग है, कुर्बानियां देकर जो हम यहाँ आ गए हैं, क्यों आए, इसलिए कि हमको अपने मुल्क से मोहब्बत है, और यही बात हमको अपने उन बच्चों को बतानी चाहिए जो अभी जनरेशन हमारी जो बढ़ रही है, कि भाई अपने मुल्क से मोहब्बत करो, खुदा के वास्ते बाहर जाओ, लेकिन यहाँ का सोचो, पाकिस्तान को कहीं नहीं भूलना, अगर पाकिस्तान चला गया ना, हम बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, अक्लियत वालों से पूछो कि असलियत क्या होती है। वोट देने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। और लोगों से क्या कहेंगे? चुप करके जाएंगे, कहाँ चिल्लाते चिल्लाना काय को भाई, जाएंगे वोट डालेंगे,
लोगों को तरकीब देंगे कि वो जाएं घर में ना बैठे। बिल्कुल, हम बोलेंगे देखिए, और हम कह रहे हैं खुदा का वास्ता कीजिए, आप अपने गरीब आदमी के पास सबसे कीमती चीज जो है वो उसका वोट होता है। अगर वो गुर्बत में उस कीमती चीज को इस्तेमाल नहीं करेगा तो आपके पास जो कीमती चीज है, जो कौम की अमानत है, तो उसको दीजिए। और उसके बाद दुआ कीजिए कि जिसको आपने वोट दिया है, अल्लाह करे वो इंसान का बच्चा बनकर है और रहेगा, नहीं तो खाएगा वो हमारी, फिर समझ गए। अब हम चले मेरा खालो, वो देखो हमारा बेटा लाइन में लगा हुआ है, जरा मसला हो जाएगा कोई बात नहीं है। अच्छा। हम इंशाल्लाह फिर आएंगे, और अब जीतने के बाद भी तो देखना है ना, अल्लाह करे के जो जो भी आए ना, और जो जो जिन जिस दिन की निगरानी में इलेक्शन हो रहे हैं, अल्लाह करे वो सब भी देखें अपनी आंखें खोल के, और इस मुल्क के लिए अच्छा करें, क्योंकि हमें उम्मीदें जो है ना उन्हीं लोगों से होती हैं जो सरहदों पर होते हैं। यकीन करें हमें उनसे जितनी मोहब्बत है उसका अंदाज़ा आप सब लोग लगा ही नहीं सकते। वही हमारा सारी तरफ की, चारों तरफ की बाउंड्री को रोक के बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा इस इलेक्शन में जो इंशाल्लाह जो कुछ नज़र आएगा ना खुल के सामने आ जाएगा। चले चले ठीक है, आप जाएं, मैं बेटा आपका। हाँ बस भाई, बहुत शुक्रिया भाई, चलिए थैंक यू।